नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज और मैं हूं अमित सिंह। बढ़ती ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों में इंग्लिश सीखने और बोलने की चाह बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी का इस्तेमाल आजकल अच्छे और प्रभावशाली व्यक्ति की निशानी माने जाने लगा है। भारतीय कुछ अंग्रेजी वाक्यों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ वाक्यों का अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। अंग्रेजी सीखने और बोलने के चक्कर में वाक्यों और शब्दों का अर्थ ही बदल देते हैं। भाषा जोड़ने का एक अनिवार्य उपकरण है, जिसके बल पर हम एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं, जानकारियां, विचार, बातें साझा कर पाते हैं। लेकिन जब अगला व्यक्ति दूसरे भाषा क्षेत्र का होता है, तब संवाद में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। उस समय हमें आवश्यकता होती है कि ऐसी भाषा की जिसको हम दोनों समझ पाए। चार वर्ड इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हो, और क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? मैं तुम्हारा, तुम जैसे लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं? क्या करोगे मैं तुम्हारे साथ रहके? आज से 2 महीने के बाद मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी, और तुम क्या करोगे? जाओ पहले कुछ सीख के आओ। ऐसे समय में हमारी टीम सिवान के शास्त्री नगर में कई वर्षों से शिक्षा दे रहे अमेरिकन स्पोकन इंस्टीट्यूट में पहुंची और इंग्लिश सीख रहे छात्रों से बात कर जानने की कोशिश की कि अंग्रेजी भाषा की चाहत उन्हें कैसे गांव से शहर की ओर लेते आया है। मैं नीतू शर्मा, मैं घरथोलिया से आती हूँ। मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी सुना था, फिर मेरी भी इच्छा हुई कि थोड़ा मैं भी जाऊँ। इंग्लिश के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज नहीं था, लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट में आने के बाद मुझे इंग्लिश का अहमियत मालूम चला। मुझे एक मंथ हो गया क्लास करते हुए, और मुझे इसमें काफ़ी बेटर फील हुआ। मैं थोड़ा बहुत काफी बेटर तो नहीं बोलती, लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा कमाई करते हैं, आपको ये बात हैरान भले ही ना करती हो, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि अंग्रेजी बोलने वाले 34% ज्यादा कमाते हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि देश में करीब 41% लोग हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन कमाते ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और हमारा राष्ट्र जो है हिंदी बहुल राष्ट्र है। प्रिया कुमारी है, मैं मोदीपुर से आती हूँ। मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब से अमेरिकन इंस्टीट्यूट में आई हूँ, तब से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। If I talk about American Institute, I like American Institute because its facility is very good. The director of American Institute is amazing. The way in which way he teaches us really amazing to see that his teaching style is very simple and easy. Apart from this, its infrastructure, its facility, its office hall is very good. And also, apart from this, the fee of American Institute is very. भारत में 20% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। देश में अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले सिर्फ 4% हैं। अगर बात करें तो ये अंग्रेजी बड़े काम की चीज है। ओके, वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट माय सेल्फ, माय नेम इज समीर, एंड बेसिकली आई एम हेलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड सिवान। आई वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म यू टू ऑल ऑफ यू दैट बोर्ड्स अमेरिकन American, it's India's largest institute of English spoken, and it has been running since 1991. It has been started from Meerut, and now the American has got approx 700 branches to all over India. And the, our course director, Dr. P. Lamba, who is a scientist, you were saying, who designed your course. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है भारत के सबसे बड़ा संस्था है। हमारी आज अमेरिकन इंस्टीट्यूशन का जो स्थापना हुई 1991 मेरठ से शुरू हुई, और आज पूरे भारत में लगभग इसकी 750 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। हमारे कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी लांबा, जो अमेरिका में वैज्ञानिक है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम प्रकाश लांबा जी हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट, हम सिवान की बात करें तो पिछले 15 सालों से सिवान के अंदर हमारे संस्था रन कर रहा है, और हम लोगों ने लाखों स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन दिया। द स्टूडेंट आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश फ्रॉम द अमेरिकन इंस्टीट्यूट, यहाँ से एक अच्छी इंग्लिश बोल करके गए।
हमारी जो कोर्स कंटेंशन है अमेरिकन स्टूडेंट का, वो हम बिगनिंग लेवल से कोर्सेज की शुरुआत करते हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को कुछ आता नहीं, फ्रॉम जीरो लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट होते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। हम आपको बताते हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, आप लोगों से बात कैसे करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, साथ ही साथ आपको पीडी क्लासेस कराई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्सेंट क्लासेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो एक्सेंट होता है। मतलब वी आर फ्रॉम द बिहार, अगर आप यहाँ बिहार से बाहर जाते हो तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमारी MTI प्रॉब्लम्स होती है, मदर टंग की प्रॉब्लम्स होती है। तो अपने एक्सेंट को कैसे हम क्लियर करेंगे, इसके स्पेशली ट्रेनिंग हम अमेरिकन स्टूडेंट में कराते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं डांस, तो मोस्टली हम इस वर्ड को हम डांस की जगह पे हम आपको सिखाते हैं डांस। हमारे देश में लोग, कुछ लोग बोलते हैं चांस, तो हम इसको सही वे में बोलना सिखाते हैं, चांस चांस चांस। तो ये सारी एक्सेंट ट्रेनिंग सबको यहाँ पे सिखाई जाती है और आपको बताया जाता है कि रियल हमारी एक्सेंट क्या होना चाहिए, प्रोनंसिएशन क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ अमेरिकन सूट में हमारी कंपनी फैसिलिटी देती है कि एक बच्चा जब एडमिशन लेता है यहाँ पे, तो हमारी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 महीने का होता है। और बच्चा अगर 3 महीने के बाद दोबारा वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कंपनी एक फ्री मेंबरशिप कार्ड देती है, जिसके थ्रू वो बच्चा पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत में जा करके जब चाहे जहाँ चाहे वो फ्री में उस कार्ड को दिखा के पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारी कंपनी देती है कि एक बार आप हमारे संस्था से जुड़िए और पूरी लाइफ टाइम आप कहीं भी जाकर फ्री में पढ़ सकते हैं पूरे भारत के अंदर। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारी कंपनी आपको देती है। साथ ही साथ हमारी संस्था के अंदर ऐसे स्टूडेंट जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनको हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो अलग से उनके एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। और कमज़ोर बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़ हैं, उनको अलग से लिखना पढ़ना और बोलना हमारे ट्रेनर अलग से सिखाते होंगे। दैट्स ऑल। ऐसे ही कई मुद्दों पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ SGN News। तब तक के लिए नमस्कार।